साथियों, मैं मुकेश परिहार यूथ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, मोस्ट वेलकम, आपका बहुत बहुत स्वागत। आज की सुबह की 6 बजे वाली क्लास में वोकैबुलरी का सेशन लेके मैं आपके सामने उपस्थित हूं। हम वोकैब की क्लास नंबर 23 पढ़ रहे हैं और आज का पहला वर्ड आपके सामने ये वोकैब नंबर 62, बहुत ही प्यारा वर्ड है, एमनेशिया। एमनेशिया का मतलब क्या होता है? एमनेशिया एक जस्ट लाइक ए डिजीज़, ये एक बीमारी होती है, भूलने की बीमारी। एक आदमी जो अपनी मेमोरी, जैसे कि जस्ट लाइक एक्सीडेंट के कारण अपनी मेमोरी को अगर भूल गया हो, तो एक्सीडेंट के कारण हो गया हो, या फिर उसके बचपन से ही उसको भूलने की कोई बीमारी हो, तो इस प्रकार के आदमी को क्या बोलते हैं? एमनेशिया से पीड़ित है, मतलब ही सफरिंग फ्रॉम एमनेशिया, यानी वो एमनेशिया से पीड़ित है, यानी उसको भूलने की बीमारी है। ठीक है, तो एमनेशिया में यहाँ पर सबसे पहले ए मेडिकल कंडीशन, यानी यहाँ पे चिकित्सिक जो चिकित्सीय स्थिति होती है, दैट मेक्स यू, जो आपको बना देती है अनेबल टू रिमेंबर थिंग्स, जो आपको पुरानी जो चीज़ें हैं याद करने के लिए वो उसमें असमर्थ बना देती है, मेक्स यू, जो आपको बना देती है। तो यहाँ पर जो एमनेशिया का मतलब होता है विस्मरण या भूलने की बीमारी, यानी फॉरगेटफुलनेस हम भी बोल सकते हैं इसको। चलिए आगे चलते हैं, हम हमारे पास इसके सिनोनिम्स की तरफ। तो सिनोनिम्स क्या है? ब्लैक आउट का मतलब होता है, जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि अपन सर पे माथा रख, ये जैसे कि ये आदमी है और उसको सोच रहा कि तू कल कहाँ गया था, तो वो माथे पे सर रखता, वो कहाँ गया था, अरे यार मेरा सब ब्लैकआउट हो गया। ब्लैकआउट का मतलब क्या होता है? उसके अंदर से सारी चीज़ें भूल जा चुका, फॉरगेटफुलनेस का मतलब होता है वही भूल जाना, और ओब्लिवियन का मतलब भी भूल जाना, विस्मरण कर देना, जो चीज़ हमें याद नहीं है। ठीक है, इसके सिनोनिम्स हैं। उसके बाद हम बात करते हैं इसके एंटोनिम्स की। तो एंटोनिम्स है इसका रिमेम्बरेंस, जैसे कि आपको कोई भी चीज़ रिमेम्बर है और वो चीज़, ये भूलना और एक और याद रखना। रिकलेक्शन का मतलब होता है संग्रहण, यानी कोई चीज़ आपके पास कलेक्ट हो चुकी है, मतलब क्या हो चुकी है? संग्रहित हो चुकी है, तो रिकलेक्शन इसके लिए होता है। तो यहाँ पर ये चीज़ हो गई। सेंटेंस की बात करते हैं, सेंटेंस कई बार बना सकते हैं, जैसे कि माई ब्रदर इज सफरिंग फ्रॉम एमनेशिया। ठीक है, तो एमनेशिया, एवर सिंस द एक्सीडेंट, यहाँ कॉमा लगाना है बीच में, एवर सिंस द एक्सीडेंट, यानी जब से, एवर सिंस का मतलब होता है जब से उसका एक्सीडेंट हुआ है, शी इज सफरिंग फ्रॉम एमनेशिया, वह एमनेशिया से क्या है? पीड़ित है। एमनेशिया इसका मतलब भूलने की बीमारी से पीड़ित है। ठीक है, चलिए अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, बहुत ही प्यारा वर्ड, प्रेस्टिजियस। प्रेस्टिजियस का मतलब होता है प्रतिष्ठित। ठीक है, कैसे? वेरी मच रिस्पेक्टेड एंड एडमायर्ड यूजुअली बिकॉज ऑफ बीइंग इम्पोर्टेंट, यानी कोई भी चीज़ बहुत ही ज़्यादा आदरणीय है, बहुत ही ज़्यादा प्रशंसनीय है, यूजुअली अक्सर बिकॉज ऑफ बीइंग इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण होने के कारण, यानी इसको बोलते हैं प्रतिष्ठित या प्रतिष्ठावान। ठीक है, एडजेक्टिव। सिनोनिम्स इसके हो गए एस्टीम्ड, एस्टीम्ड आपको पता ही है एस्टीम्ड क्या होता है, जैसे कि सबसे पहले एस्टीम्ड, डिस्टिंग्विश्ड का मतलब क्या होता है? प्रतिष्ठित का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे? थोड़ी सी देर के लिए मान लो कि डिस्टिंग्विश का मतलब होता है अलग होना, तो यहाँ पे कोई भी चीज़ बहुत ही अलग हो जाती है, और जब अलग हो जाती है तो वो प्रतिष्ठित हो जाती है। स्टीम का मतलब यहाँ पे हो रहा है जैसे कि सम्मान की दृष्टि से, तो स्टीम्ड का मतलब प्रतिष्ठित। फेम का मतलब होता है ख्यातिपूर्वक, और जो ख्याति है वही प्रतिष्ठित। इलिस्ट्रियस का मतलब होता है, जैसे इलिस्ट्रेशन का मतलब होता है उदाहरण देकर समझाना, इलिस्ट्रेट, जैसे जनरली वर्ड होता है इलिस्ट्रेट का मतलब होता है उदाहरण देना। अब जब कोई चीज़ उदाहरण बन जाती है, इलिस्ट्रेट मतलब किसी के लिए बिल्कुल एकदम ये के अपन, जैसे कि कोई उदाहरण देके बता, उस राजा जैसी उदाहरण देके बता रहा है, तो जब किसी के द्वारा किसी का उदाहरण दिया जाता है, जैसे कि मेरे ज़माने में उस समय वो राजा हुआ करता था, आज के ज़माने में उस आदमी को देखा है वो कितना महान है, तो उसका जब उदाहरण देकर समझाया जाता है तो वो प्रतिष्ठित ही होगा। इमिनेंट प्रमुख, रेपुटेबल जिसकी रेपुटेशन बहुत हो, रेस्पेक्टेड आदरणीय, तो इस प्रकार से इसकी ये सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स क्या हो रहा है इसके? कॉमन, बिल्कुल साधारण, इनसिग्निफिकेंट, जो अमहत्वपूर्ण, ऑर्डिनरी, बिल्कुल एकदम साधारण, सिंपल, तो इस प्रकार से यहाँ पे इसके एंटोनिम्स हो गए। इसके यूज़ के बारे में बात करते हैं, पीएम मोदी हैज़ बीन ऑनर्ड, यानी हमारे भारत के प्रधानमंत्री को सम्मानित किया गया विद द प्रेस्टिजियस ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड। प्रेस्टिजियस का मतलब होता है प्रतिष्ठित, ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड, ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड से सम्मानित किया गया, और वो सम्मान दिया जाता है बाय बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, ये
अमेरिका के जो बिल गेट्स हैं ना हमारे माइक्रोसॉफ्ट के संस्था, तो वो बिल गेट्स और मेलिंडा गेट्स का एक फाउंडेशन, एक संस्थान, उस संस्थान के द्वारा हमारे भारत के प्रधानमंत्री को उत्कृष्ट यानी प्रतिष्ठित पुरस्कार से नवाजा गया है, उनको दिया गया है। चलिए अगला वोकैब नंबर 64, आउटलैंडिश। बहुत प्यारा वर्ड आउटलैंडिश का मतलब विचित्र। विचित्र जैसे कि एक आदमी आया, रोजाना क्या करता है, अच्छे से शर्ट पहन के आता है। अब आज क्या होता है, एक आदमी जो रोजाना कुर्ता पहनता है, अब वो जींस टी शर्ट पहन के आ गया, तो अपन बोलते हैं आउटलैंडिश क्लॉथ्स। यानी आउटलैंडिश का मतलब होता है दिखने में बड़े विचित्र हो रहे हैं, है ना। आउटलैंडिश क्लॉथ्स हो सकता है, आउटलैंडिश जॉब हो सकती है, ठीक है, आउटलैंडिश आपका जो कपड़े हो सकते हैं, आउटलैंडिश बॉय हो सकता है। यानी आउटलैंडिश यहाँ पर एक यह है एडजेक्टिव है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके। वेरी स्ट्रेंज और अनयूजुअल और अनफेमिलियर, यानी बहुत ही ज़्यादा अलग, बहुत ही ज़्यादा अनयूजुअल, अनफेमिलियर के लिए बोलते हैं। इसके सिनोनिम्स के बारे में बात करते हैं, तो सिनोनिम्स होता है फैंटेस्टिक, बहुत ही ज़्यादा अच्छा, ओड, थोड़ा ओड अपन बोलते हैं ना, यार ये लड़का बड़ा ओड है, इसका नेचर बड़ा ओड है। ओड का मतलब होता है विपरीत, अनक। पिक्यूलर, पिक्यूलर का मतलब होता है अनोखा। आउटरेजस, आउटरेजस का मतलब होता है थोड़ा सा अलग, हटके। वियर्ड और क्वीर, ये सब इसका मतलब होता है अजीब, विचित्र, बहुत ही अलग, एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न, इस प्रकार के जो होते हैं। एंटोनिम्स के बारे में बात करते हैं, तो कॉमन जो सामान्य हो, कन्वेंशनल, कन्वेंशनल का मतलब होता है परंपरागत रूप से, फेमिलियर का मतलब परिचित के रूप से, ठीक है। यहाँ पे सेंटेंस क्या होगा इसका, यू आर लुकिंग आउटलैंडिश, यानी आप बहुत ही विचित्र दिख रहे हो, रोज तो तुम पेंट शर्ट पहनते हो और आज तो जींस, या रोजाना कुर्ता पजामा पहनते हो और आज तो बिल्कुल जींस टी शर्ट में आ गए, तो यू आर लुकिंग आउटलैंडिश, यानी आप बड़े विचित्र दिख रहे हो। तो इस प्रकार से यहाँ पे यू कैन से द सेंटेंस इन दिस टाइप, ओके। तो नाउ वी हैव लर्न थ्री वोकैब। फर्स्ट एमनेशिया, एमनेशिया मीन्स विस्मरण। सेकंड इज प्रेस्टिजियस, प्रतिष्ठित। एंड थर्ड वन इज आउटलैंडिश, यानी अति विचित्र, ठीक है। नाउ टर्न टू द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखिए, हम 105 वन वर्ड पढ़ चुके हैं, ठीक है, धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं। ए स्पीच, देखिए अब ये यहाँ पे आज जो हम वर्ड पढ़ेंगे वो सारे किसी एक ड्रामा, ड्रामा होता है ना आपका, ड्रामा का मतलब होता है नाटक, एक जो नाटक होता है उस नाटक में जो चीज़ें काम आती है उसके बारे में बताया गया। तो ए स्पीच डिलीवर्ड विदाउट एनी प्रिपरेशन, यानी एक ऐसी स्पीच जो डिलीवर की गई, डिलीवर का मतलब होता है दी गई है, विदाउट एनी प्रिपरेशन। यानी देखो एक चीज़ है, देखो भाषण जनरली क्या होता है, बहुत सारे लोग बिल्कुल तैयार करके लाते हैं, जैसे कि महात्मा गांधी की जयंती पे बोलना है, किसी की पुण्यतिथि पे बोलना है, या किसी के ऊपर, तो वो घर से तैयार करके लाते हैं। पर जब एक ऐसी स्पीच होती है जो बिना किसी तैयारी के दी जाती है, प्रिपरेशन के दी जाती है, उसको क्या बोलते हैं। तो हाँ, मैं आज जो आपको बता रहा था कि ये सारी चीज़ें जो होती है, ये वर्ड जो हम इस्तेमाल करेंगे वो सब ड्रामा यानी नाटक, जैसे पुराने ज़माने में, पुराने मतलब होता है इंग्लिश लिटरेचर में, जब एंशियंट टाइम में क्या हो रहा था कि जब विलियम शेक्सपियर जब नाटक लिखा करते थे, इनका बड़ा महत्व होता था। देखिए आज की पिक्चर में जो नाटक का मतलब क्या हो रहा है, जैसे पर्दा उठता है, पर्दे उठते तो एक आदमी बिल्कुल क्या होता है, बोलता है कि देखो दुनिया ऐसी बनाई है, ईश्वर ने ऐसी बनाई है, तो क्या होता है वो एक ऊपर है। तो इस प्रकार की जो ए स्पीच, एक ऐसा भाषण बोला गया जो बिना किसी प्रिपरेशन के बोला हो, उसको बोलते हैं एक्सटेम्पोर। मैं पहले पाँच ही वर्ड आपको समझाऊंगा, उसके बाद इसको याद करने का तरीका भी बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले ए स्पीच डिलीवर्ड विदाउट एनी प्रिपरेशन, बिना किसी प्रिपरेशन के दी जाती है, उसको बोलते हैं एक्सटेम्पोर, ठीक है। समथिंग सेड और डन एट वंस विदाउट प्रिपरेशन, कुछ कहा जा रहा है या कुछ किया जा रहा है, यानी कुछ कहा गया, कुछ किया गया एट वंस, तुरंत, विदाउट प्रिपरेशन, बिना किसी तैयारी के किया गया, उसको बोलते हैं हम इम्प्रोम टू। अब देखिए, अब यहाँ पे दोनों वर्ड की हिंदी हम पढ़ते हैं। एक्सटेम्पोर, एक्सटेम्पोर का मतलब होता तात्कालिक, भाई जो बिना किसी काम के बोला गया वो तत्काल बोला गया, ठीक है, वो जिसको बोलते हैं बिना तैयारी के, क्या बोलते हैं उसको, बिना तैयारी के, ठीक, ये हो गया। अब उसके बाद समथिंग सेड और डन एट वंस विदाउट प्रिपरेशन, इसको बोलते हैं इम्प्रोम्प्टू, क्या बोलते हैं इसको, इम्प्रोम्प्टू। अगर इसको देखते हैं तो प्रोम्प्ट बनता है, एक वर्ड होता है प्रोम्प्ट, PROMPT, दिख रहा है ना इसमें प्रोम्प्ट, इम्प्रोम्प्टू में IM हटा दो, PROMPT, प्रोम्प्ट का मतलब होता है तुरंत, और जो तुरंत कहा जाए उसको बोलते हैं इम्प्रोम्प्टू, क्या कहा जाए, इम्प्रोम्प्टू, ठीक है। 100
आठ नंबर का वर्ड है, अभी तो याद करना बाकी है। ए स्पीच और ए पोएम रिसाइटेड एट द बिगिनिंग ऑफ ए प्ले, बहुत बढ़िया, यही की बात कर रहा हूँ मैं कि पुराने समय में जब वेन शेक्सपियर रोट ड्रामा, शेक्सपियर ने अपने कई सारे नाटक लिखे, तो उस नाटक में क्या होता है, एक आदमी आता है। देखिए आज भी मूवी स्टार्ट होती है तो मूवी स्टार्ट होते हुए देखे होंगे ना आपने कि क्या होता है, वो बोलता है देखिए जैसे जैसे समय बीतता गया मुंबई धीरे धीरे चलती गई, एक दिन ऐसा हुआ कि मुंबई पूरी तरह से पहिए रुक गए, इस प्रकार की। तो क्या होता है, वो एक आदमी बोलता है, उस कहानी की भूमिका बांधता है, तो उसको बोलते हैं प्रोलोग। क्या बोलते हैं उसको? प्रोलोग। प्रोलोग का मतलब होता है प्रस्तावना। किसी नाटक में अगर किसी कविता के द्वारा या किसी भाषण के द्वारा अगर उस नाटक की भूमिका के बारे में बताया जाए तो उसको बोलते हैं प्रोलोग। उसके लिए एक वर्ड है, इंट्रोडक्शन नहीं होता, ध्यान रख लिया, उसके लिए वर्ड कौन सा होता है? प्रस्तावना या प्रोलोग, ठीक है, ये नाटक के लिए होता है। ए स्पीच और ए पोएम रिसाइटेड एंड ऑफ द प्ले, और जब नाटक कोई खत्म हो जाती है, देखिए नाटक खत्म हो जाती है तो उसमें कोई सीख की बात होती है, तो उस सीख के बारे में अगर कुछ बताया जाए तो उसके संबंध में जो बताया जाता है वो सारी चीज़ें क्या होती है, उसको बोलते हैं इपिलोग। क्या बोलते हैं इसको? इपिलोग। इपिलोग का मतलब होता है उपसंहार, जैसे कि उपसंहार, क्या बोलते हैं इसको? उपसंहार, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अगला वर्ड स्पीकिंग अलाउड वाइल एलोन, और जोर जोर से बोलना जब अकेले होता है। देखिए आपने कई सारी मूवियों में देखा होगा कि क्या होता है कि जब सारी चीज़ें कोई नहीं रहता उसके बारे में, ये इसने मेरे ऐसे बारे में कैसे कह दिया, ये क्या चल रहा था मेरे बारे में, वो सारी चीज़ें, तो वो मन ही मन में जोर जोर से बोला करता है, किसके बारे में? अपने ही बारे में, अलोन अकेले बोला करता है, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं जनरली? सोलिलोकी। क्या बोलते हैं इसको? सोलिलोकी। सोलिलोकी, ये तीनों जो वर्ड हैं आपके पास, ये तीनों प्रोलोग, इपिलोग और सोलिल, ये तीनों ही वर्ड विलियम शेक्सपियर या कोई उस समय इंग्लिश लिटरेचर में जब कोई ड्रामा लिखा जाता है तो उस ड्रामा में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ पर देखिए पुराने ड्रामा में क्या होता है, जो हीरो होता है वो हीरो मतलब क्या होता है, उसका एक सोलिलोकी होता है। सोलिलोकी का मतलब होता है उसके मन में कुछ ही कुछ चल रहा है, उसको वो कोई नहीं रहता उसके आसपास, तो वो जोर जोर से बोला करता है, ये सब लोग मुझे इस प्रकार से देख रहे हैं, मैं अब कुछ नहीं कर सकता, अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, क्या मैं ऐसा ही हूँ, इस प्रकार की चीज़ें जो बोल जाते हैं वो सोलिलोकी बोली जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो उस प्रकार से, तो अब इसको याद करना करता है, इन पांचों को बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में आ चुके हैं। ए स्पीच डिलीवर्ड विदाउट एनी प्रिपरेशन एक्सटेम्पोर, यानी एक ऐसा भाषण जो आप देखो एक्सटेम्पोर, एक्सटेम्पोर का मतलब एक्स 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 का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, ई एक्स एक्स का मतलब होता है बाहर, एक्सटर्नल, एक्सटर्नल बनता है ना एक्सटर्नल, जो बिल्कुल बाहर से भाषण दे दिया जाए बिना किसी तैयारी के, तो उसको बोलते हैं एक्सटेम्पोर। क्या बोलते हैं उसको? एक्सटेम्पोर। समथिंग सेड और डन एट वंस विदाउट प्रिपरेशन, बिना किसी प्रिपरेशन के जो बोला जाए, देखिए भाषण जो बिना प्रिपरेशन के बोला जाता है उसको एक्सटेम्पोर बोलते हैं, और कुछ भी बोला जाए या कुछ भी किया जाए बिना किसी तैयारी के, ठीक है, तो उसको बोलते हैं इम्प्रोम्प्टू। इम्प्रोम्प्टू प्रोम्प्ट से बन रहा है, किससे बन रहा है वो? प्रोम्प्ट से बन रहा है, प्रोम्प्ट ये दिख रहा है ना यहाँ पर, प्रोम्प्ट, तो इम्प्रोम्प्टू, ये दोनों चीज़ें याद हो जाएगी। देखिए क्या है, ए स्पीच डिलीवर्ड विदाउट एनी प्रिपरेशन एक्सटेम्पोर, और समथिंग सेड और डन इट वंस विदाउट प्रिपरेशन इम्प्रोम्प्टू। अब ठीक है, अब इन तीनों को, बचे हुए तीनों को एक साथ हम याद करते हैं, ठीक है। क्या हो रहा है तीनों के लिए? सबसे पहले क्या, प्रो, देखिए आप ये देखिए तो जी यू ई और जी यू ई दोनों है में, तो प्रो, प्रो का मतलब होता है प्रारंभ में और ई का मतलब होता है एंड में, तो जो प्रारंभ में बोला जाता है उसको प्रोलोग बोलेंगे, और जो ईपी मतलब अंत में बोला जाता है उसको ईपीलोग बोलेंगे, ठीक है। और आपको पता है सोलो, सोलो बोलते हैं ना कि यार ये तो सोलो सॉन्ग है, सोलो सॉन्ग का मतलब होता है एक ही आदमी गा रहा है, पेयर में सॉन्ग गा रहा है मतलब एक हीरो भी गा रहा है हीरोइन भी गा रहा है, तो सोलो का मतलब होता है अकेला, तो सोलिलोकी मतलब होता है अकेले में बोलने जाने वाला। तो देखो तीनों याद हो गए यहाँ पे। प्रो, प्रो का मतलब क्या होता है? जो प्राथमिक में गाया जाए, प्राथमिक का मतलब होता है पहले गाया जाए ये बताया जाए, तो उसको प्रोलोग बोलेंगे। इपिलोग का मतलब होता है अंत में कहा जाए, और सोलिलोकी मतलब होता है अकेले में बोला जाए, तो यहाँ पे देखिए पहले, अंत में और अकेले में, तो पहले के लिए प्रोलोग, अंत के लिए इपिलोग, और अकेले के लिए सोलिलोकी, ठीक है। और यहाँ पे स्पीच डिलीवर्ड विदाउट एनी प्रिपरेशन एक्सटेम्पोर, और समथिंग सेड और डन एट वंस विदाउट प्रिपरेशन इम्प्रोम्प्टू, याद हो गया है? तो यहाँ पर आशा करता हूँ कि ये चीज़ें आपको याद हो गई, ठीक है। याद कराना सबसे इंपॉर्टेंट है साहब, कापियों में तो कई सारे लिखे हुए हैं। अब टेस्ट योरसेल्फ,
हैव यू नोटेड डाउन प्रीवियस वोकेबलरीज, ठीक है, और क्या आपने पढ़ी है, ये सारी इन प्रश्नों के जवाब मैं आपसे हर बार पूछता हूँ, क्या आपने पिछली वोकेबलरीज को पढ़ा है, और लर्न का मतलब होता है उनको याद किया है, इफ़ यस देन प्लीज आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, अगर हाँ है तो इसके नीचे जवाब दीजिए क्वेश्चन के, इफ नो देन गो थ्रू प्रीवियस वोकेब, और या तो अगर नहीं है तो पहले वोकेबलरी को पढ़िए और उसके बाद इन क्वेश्चन का जवाब दीजिए, नहीं तो जवाब नहीं दे पाएंगे आप, ठीक है। आपके पास 5 जवाब है, अल्टरकेशन का आपको एंटोनिम्स बताना है, एकोलेट का आपको मेक ए सेंटेंस, एंड ईओन का सिनोनिम्स, और वन हु ईट्स टू मच, और द मैन हु कैन ईट मीट, ईट मीट प्रिपरेशन, ये सारी चीज़ें रहती है, इसको हम वन वर्ड में क्या बोलते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ अभी 2 दिन की छुट्टी होने के बाद, कोई बात नहीं, अभी हमारा पास कोरोना चल रहा है और आपने देखा होगा कि धीरे धीरे हमारे पास जो एग्ज़ाम्स की डेट है वो भी अब 1-2 महीने में आने लग जाएगी, तो कहीं कुछ नहीं, अपनी तैयारी को पूरा तैयार रखिए, क्योंकि अभी जिस प्रकार से बेरोजगारी का दंश है, यहाँ पर बहुत सारे प्राइवेट और मल्टीनेशनल कंपनीज है, जो अच्छे अच्छे हाईली इंटेलिजेंट स्टूडेंट जो लोग हैं वो भी अब एग्ज़ाम की तरह अपना गवर्नमेंट सेक्टर की तरह रुक रहेंगे, तो ध्यान रखिएगा, अपनी प्रिपरेशन को इतनी स्ट्रॉन्ग रखिए कि कोई भी आपसे टक्कर ना ले पाए, ठीक है, ओके। तो किस प्रकार से वीडियो लग रहे हैं, लाइक करिए, शेयर करिए, और अपने दोस्तों को, मित्रों को, सखा को, सभी को शेयर करिए, ओके, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।